हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिटेल्स को देख लिया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है हायर ऑर्गेनिज्म में। ये जो है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जर्म प्लाज्म में से प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नेचुरली डेवलप करता है जेनेटिक वेरिएशंस को। जो जेनेटिक वेरिएशन जो डेवलप करता है वो एसेंशियल होते हैं बेटरमेंट ऑफ स्पीसीज के लिए, और अल्टीमेट होते हैं फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के लिए। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो इनको हम क्लोन्स नहीं बोलते, इनको हम हाइब्रिड्स बोल सकते हैं। अब हमें देखना है फेजेज इन लाइफ साइकिल, कितने फेज आते हैं एक लाइफ साइकिल के। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तुरंत सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट तो कर नहीं देता, उसके लिए उसके लाइफ में कई फेजेस आते हैं। तो इसमें लाइफ जो फेजेस जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है जुवेनाइल फेज, उसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, और सेकेंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड सेनेसेंट फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो सबसे पहले हमें देखना है जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज में हमें देखना है, जैसे हमें पता है कि बिगिनिंग से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए एक सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है। सो द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल पीरियड, और प्लांट्स में इसको हम वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जुवेनाइल डिवोरेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है। इन फ्लावरिंग प्लांट द सेक्सुअल मैच्योरिटी बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, हम उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी को मानते हैं कि बिगिन हुआ विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। कुछ प्लांट्स जो एनुअल होते हैं वो फ्लावरिंग करते हैं फर्स्ट ईयर में ही, ग्रोथ करते हैं फिर डाई हो जाते हैं। इसी तरह बाइनियल में हर सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में ग्रोथ होता है और डाई हो जाते हैं। तो एंड अदर्स आर पेरिनियल, जो पेरिनियल फ्लावर प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर करते हैं एवरी ईयर एंड हैव लाइफ स्पेन ऑफ मेनी ईयर्स। तो इनमें जो होता है पेरिनियल्स में डिफ़िकल्ट होता है कि डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज में। कुछ प्लांट स्पीसीज में कुछ अनयूजुअल फीचर्स देखे जाते हैं, जैसे बम्बू स्पीसीज जो होती है उसमें फ्लावर जो होता है एक ही बार पूरे लाइफ में होता है, या फिर 50-100 ईयर में एक बार फ्लावरिंग होती है। ऐसे ही स्ट्रॉबिलंथस कुंथियाना जो प्लांट होता है, जिसको हम नील कुरंजी भी बोलते हैं, वो फ्लावर करता है इन 12 ईयर्स, वो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। अब हमें देखना है सेकेंड फेज रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, इसको हम सेक्सुअल मैच्योरिटी वाला फेज भी बोल सकते हैं। ये फेज जो होता है वो एक्चुअल फेज होता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी का। द सेक्स ऑर्गन्स बिकम्स मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इट इज़ द फेज ड्यूरिंग विच द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। तो एक प्राइमेट्स मैमल्स में, जैसे मंकी, मैंस और एप्स में, जो फीमेल होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज आने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करती है। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्क, जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको मीनार्क बोलते हैं, एंड दिस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इन फीमेल, और ये शो करता है कि अब वो जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए एक्टिव है। तो प्राइमेट्स मैमल्स में जो होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी रिमेंस रहती है आफ्टर टाइम ऑफ प्यूबर्टल एज, लेकिन नॉन प्राइमेट मैमल्स में जैसे काऊ, रैट्स और सीप, डॉग्स एट्सेट्रा में ओस्ट्रल साइकिल एक होता है जो उसी समय होता है जब रिप्रोडक्टिव एक्टिव होता है ऑर्गेनिज्म। तो ये जो होते हैं रिमेंस रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ओनली ड्यूरिंग ऑस्ट्रस पीरियड। अब हमें देखना है सेनेसेंट फेज के बारे में, जिसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। ये जो होता है एक इंडिविजुअल का लास्ट फेज होता है। इट बिगिंस व्हेन द एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ ओवर, जब सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये फेज बिगिंस होता है। ड्यूरिंग सेंसेंट फेज इसमें बहुत सारे चेंजेज आती हैं बॉडी में, और स्लोलिंग हो जाता है मेटाबॉलिज्म का, और जो मेटाबॉलिज्म का स्लोअर होगा तो ये इन्वॉल्व करता है इरिवर्सिबल ग्रोथ, डिक्लाइनिंग चेंजेस इन द बॉडी, एंड दैट ग्रेजुअली टेक्स द बॉडी टुवर्ड्स द डेथ।
ऑर्गेनिज्म का जो सेंसेंट फेज है वो उसको और डेथ की तरफ लेके जाता है।